Hello everyone, welcome back to another amazing video. So, आज हम कर रहे हैं आपको रिवीजन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज अब वो समय है जहां पे आपके पास तीन दिन दो दिन या एक दिन बच रहा होगा अपने एग्जाम के लिए जैसे करंटली सी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं एंड लास्ट डे पे अगर आपको 15 चैप्टर से करने करने पड़ जाते हैं तो आपको कोई भी चैप्टर अगर 30 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे कभी भी हमें रिवीजन करना होता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज मोस्टली इस साल न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं लगभग हर एग्जाम में इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स या क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए सो लेटस्ट स्टार्ट दिस वीडियो इस वीडियो में इस सीरीज में, में मेरा यही uh, ट्राई रहेगा कि आपको हर चैप्टर को मैं अराउंड थर्टी मिनट्स मैक्स टू मैक्स में खत्म करवा दूँ सो दैट वेन यू गो टू द लास्ट डे एंड वी स्टार्ट रिवाइजिंग तो आप देखेंगे इस तरीके से यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल द चैप्टर इन दी डेप्थ इन जस्ट थर्टी मिनट्स एंड लगभग लगभग आप पूरा सिलेबस जो है वो साढ़े चार से पाँच घंटे में बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे इन द सीरीज आई विल ऑलवेज मैंशन की कहाँ से डेरिवेशन कहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं सो दैट इट ग्रिव गिवस यू गुड होल्ड इन द फाइनल टाइम फॉर योर एग्जाम नेम मेंक्ष अक्षय एंड आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम आई टी डे आईव बीन टीचिंग फ्रॉम पास सेवन ईयर्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज इन ऑफलाइन क्लासेस और हमेशा मैंने ये देखा है कि बच्चों को जितनी ऑर्गेनाइजेशन हम सिखा सकते हैं उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इन इस सीरीज से हम वही कोशिश कर रहे हैं तो लेट इस नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो अगर आपका कोई कंटेंट कहीं पे हट रहा होगा या मेरे इमेज से uh, अगर वो ब्लॉक हो रहा होगा तो डेफिनेटली आई विल बी रिमूविंग माई सेल्फ फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ़ द स्क्रीन सो डो नॉट वरी एंड लेट्स स्टार्ट सो वी आर स्टार्टिंग विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन जो कि स्फेरिकल मिरर की बात यहाँ पे चल रही है फिर स्नेल्स लॉ विथ रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको बताऊंगा क्यों एंड तो इतने कॉन्सेप्ट कवर करने होते हैं वेन वी टॉक अबाउट रे ऑप्टिक्स तो स्टार्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एंड मैग्निफिकेशन तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या टाइप ऑफ सर्फेस से कवर किया गया है द फर्स्ट सर्फेस इज अ प्लेन सर्फेस लाइक अ प्लेन मिरर एंड द सेकेंड सर्फेस इज स्फेरिकल मिरर जो कि एक हॉलो स्फियर से कट किया जाता है एंड देन उसमें पॉलिश होती है ऑफ सिल्वर एंड इट्स नाइट्रेट्स एंड ऑक्साइड्स तो अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो बहुत ही आसानी से हमें पता है कि सर्टेन जो लाइट uh, है जब भी वो किसी भी मीडियम में पड़ती है और अगर वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो हम उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन uh, कहते हैं एंड वो सर्टेन लॉस जो फॉलो करती है वो है दो पर्टिकुलर लॉ दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसीडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन तो इसको मैं एक बार आपको डायग्राम में भी बता देता हूँ कि दिस इज योर इंसीडेंट एंकल जो इंसीडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे सो so, ये बेसिक बातें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए सो दैट वेन यू मूव फॉरवर्ड इन योर स्फेरिकल मिररर और रिफ्रैक्शन आपको ये चीज़ें पता हूँ अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो स्फेरिकल मेर में रे डाइग्राम सर इंपॉर्टेंट वो आप देख लीजिएगा बट अगर मैं फॉर्मले की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मला हमारा हो जाए इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के साथ आपका रिलेशन सेट होता है अगर हम यहां पे बात करें कि क्या साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग दी न्यूमेरिकल तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई भी डिस्टेंस इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसियट्री मेजर हो मतलब जैसे आप देखिए यहां पे अगर यह इंसियंट्री है और अगर मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है तो डेफिनेटली मुझे लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा मतलब ऑपोजिट टू इंसिडेंट्री मूव करना पड़ेगा तो जितनी भी डिस्टेंसेज ऑपोजिट टू इंसेंट्री होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और जितनी भी डिस्टेंसेज इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसियट्री होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला व्हाट इज मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज जस्ट द रेशियो ऑफ एच आई एंड एच ओ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये आपको ध्यान रखना होगा विथ रिकार्ड टू योर डिफरेंट सिनारी कि जैसे जैसे मैं अगर आपको एक ट्रेंड बता दूं कि जैसे जैसे, जैसे अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पास आता है वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर जाती है और एलार्ज हो जाती है उसका मैग्निफिकेशन बढ़ते जाता है तो इस तरीके से आपको ट्रेंड याद होने चाहिए बहुत सारे ट्रेंड मैंने अपने वीडियोज़ में बता रखे हैं आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे बट यहां पे जो रेलिवेंट बात मुझे लगती है वो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जिसकी वैल्यू माइनस इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होती है इसको स्टार मार्क कर लीजिए तो मैं जहां भी मुझे ये लगेगा कि यहां से आपका एक न्यूमेरिकल बन सकता है वहां पर मैं एक छोटा सा स्टार आपको मार्क करवा दूंगा एक मार्क का न्यूमेरिकल यहां से डेफिनेटली बन सकता है चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ गेट इनटू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इज ऑल अबाउट जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जब आप अपने ग्लासेस के थ्रू अपने चश्मे के थ्रू लाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो डेफिनेटली लाइट जो है वो आपके चश्मे के थ्रू आपकी आंखों में जा रही है मतलब वो रिफ्रैक्ट कर रही है एक यूनिक बात है रिफ्रैक्शन के दौरान कि डेफिनेटली लाइट जब रिफ्रैक्ट करती है तो वो रिफ्लेक्ट भी करती है तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही होता है ऑब्वियसली बात है जब आप पॉलिशिंग कर देंगे तो रिफ्रैक्शन जीरो हो जाता है और हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्शन हो जाता है लेकिन हंड्रेड परसेंट रिफ्रैक्शन नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता आपका हमेशा कोई ना कोई पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होता है अगर मैं बात करूं ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये मेरी नॉर्मल है अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिससे एक नई प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके हिसाब से लाइट अपने ट्रैवल करने का बिहेवियर चेंज कर लेती है तो आप कमेंट में यहीं पे गेस करिएगा कि ये जो सिनेरियो अभी यहाँ बना हुआ है ये कौन सा मीडियम है म्यू वन डेरर है या म्यू टू रेयर है और फिर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे म्यूवन इज बेसिकली अ डेंसर मीडियम एंड म्यू टू इज अ रेयर मीडियम बिकॉज इसी तरीके से लाइट अपने इस नेचर को दिखाती है जब वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड होती है तो जब भी लाइट डेंसर से रेरर जाती है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड होती है ऐसा क्विज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगेन टेलमी वट इज अ स्पेशल फिनोमिना जो इस प्रॉपर्टी को ही बेस रख के बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स या फिर रेनबो जैसी चीजों को बनाता है कौन सा वो फिनोमिना है कॉमेंट डाउन करके बताइएगा अच्छा अगर हम बात करें कि वो कौन से लॉज है जो लाइट फॉलो करती है तो लाइट जो है सर्टेनली दो लॉज फॉलो करती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन पहला बहुत सिंपल है आपका इंसिडेंट रे आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सारे के सारे सेम पॉइंट से पास होते हैं ये रहा वो पॉइंट एंड द सेकेंड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन सेकेंड लॉ समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देर इज़ अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे कही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वॉट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा बच्चे इसको भूल जाते हैं तो प्लीज़ रिमेंबर बिकॉज अगेन मैं यहाँ पे एक स्टार पुट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ से एक, एक मार्क का न्यूमेरिकल बन सकता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जनरली अ रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन मीडियम रिलेटिव टू योर वैक्यूम तो याद रखिएगा वैक्यूम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इट इज लार्जेस्ट बिकॉज उसको लीस्ट इंट्रैक्शन मिलता है आसपास के मटेरियल से आसपास के पार्टिकल से एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कॉमेंट डाउन करके बताइएगा सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यू कैन क्लियरली सी दैट दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन वन क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यह वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है कितनी होती है अगर आपने गैस सही किया था तो दिस इज़ थ्री इंटू टेन की पार एट मीटर पर सेकेंड ये जो पर्टिकुलर पी है आपको एज अ नोट्स भी बहुत हेल्प करने वाली है सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मले मैंने यहाँ मैंशन कर दिया तो प्लीज़ मेक श्योर दैट ये आपके पास हो और आप जब रिवाइज़ कर रहे हो अगर आपको वीडियो भी नहीं देखनी है वैसे मैं टाइम स्टेम डालूंगा हर चीज़ का सो तो यू कैन फॉलो दोस बट अगर नहीं देखनी है तो आप क्विकली इनसे रिवाइज कर सकते हैं अच्छा अब हम बात करते हैं वो सेकंड लॉ क्या है जो लाइट फॉलो करती है तो बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है इससे अगेन एक मार्क का न्यूमेरिकल बन सकता है वो है स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ वैसे लीस्ट पाथ एंड टाइम लॉ है लेकिन इतना डीप आपके सिलेबस में इस बात को नहीं आ, डिस्कस किया गया है आपके सिलेबस में जो इसका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डिस्कस किया गया वो है अगर आप इंसिडेंट एंगल का साइन निकालें अगर आप रिफ्रैक्टिंग एंगल का साइन निकालें और उनको उन सेम मीडियम जिनमें वो बन रहे हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे वो जो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है तो जी हाँ अगर आप सर्टेन मीडियम से और भी आगे बढ़ते तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहती कॉन्स्टेंट रहती इसमें मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा अगर एक मीडियम के बाद दूसरे के बाद तीसरा दिया है तो आप पहले और तीसरे के लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पे म्यू वन म्यू टू की वैल्यू क्या होगी तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया म्यू वन इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स तो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस बहुत बार आपको वेलोसिटीज देके रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस पूछ लिया जाएगा या रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस दे दिए वेलासिटी पूछ लिया जाएगा अब अगर हम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप पानी में देखते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी अलग डेप्थ पे दिख रही होती हैं दैट इज ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन बट दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अपर डेप्थ एंड हाइट अगर आप किसी चीज़ को सर्टेनली यहाँ रखते हैं डी डेप्थ पे रखते हैं तो आप देखेंगे आपको वो डी डैश डेप्थ पे दिख रहा होगा और वो डी डैश डेप्थ की जो वैल्यू होती है इस फॉर्मुले को अच्छे से याद रखिएगा बिकॉज ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा और काफ़ी बच्चे इसका एक थोड़ा सा डायरेक्ट स्पेशल केस वाला फॉर्मला याद रख लेते हैं बट आप जेनरिक फॉर्मला याद रखिए दैट इज टोटल डेप्थ जिसपे वो ऑब्जेक्ट है अपॉन दी डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन टू रेर मीडियम इंडेक्स स्पेशल केसेस में जो आपका म्यू एर है वो क्या हो जाता है स्पेशल केसेस में म्यू एर आप बताइए एयर आ जाता है या वैक्यूम आ जाता है जो कि वन हो जाता है तो याद रखिएगा गलती नहीं होनी चाहिए लेकिन यहां पे याद रखिए यहां पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं कि ऑब्जर्वर आपका रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट आपका तो ऑब्जर्वर आपका रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है लेकिन अगर उल्टा हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेरर में हो जाता है आपका ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर में हो जाता है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मछली अगर बर्ड को देखने लगती है तो क्या होगा तो इसी फॉर्मूले में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा जो डी डैश है वो डी इन टू म्यू डी अपॉन म्यू आर आ जाएगा मतलब जब आप रेयरर से डेंसर में देखेंगे तो आपको वो डेप्थ कम दिखेगी देखिए डेंसर नीचे है मैंने आपको बताया था डेंसर मीडियम का म्यू ज्यादा होता है और अगर आप रेयरर में देख रहे हैं तो आपका वो ऑब्जेक्ट आपको और दूर दिखेगा मतलब मछली जब चिड़िया को देखती होगी या किसी भी ईगल किसी भी ऐसे चीज़ को देखती होगी जो उसके कैप्चर करने आ रहा है तो उसको ये नहीं रियलाइज होता होगा कि वो इतना पास आ चुका है जबकि वो ज़्यादा पास आ चुका है आई होप यहां तक आपको क्लियर है आप नोट्स बना रहे होंगे नहीं भी बना रहे हैं तो आपने पी डी एफ डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम अ टेलीग्राम लिंक दैट इज दैट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग द रिविजन ऑफ द चैप्टर चलिए नाउ लेट लेटेट मूव टू अनदर अमेजिंग कॉन्सेप्ट दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर रिफ्रैक्शन दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डबल स्टार यहां मार्क कर लीजिए बिकॉज यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100 परसेंट है सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर पर्टिकुलर देखिए इस लेक्चर से क्या हो रहा है आप रिवाइज तो कर रहे हैं लेकिन आपको अब यह भी पता चल रहा है कि जहां से डबल स्टार कर रहे हैं वहां जाके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है कहां से मैंने ऑलरेडी आपको एक एमसीक्यू सीरीज करवाई थी जहां मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखे हैं उससे बाहर कुछ नहीं करना है हजारों क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होता हर चैप्टर से आप फोर्टी फिफ्टी अच्छे क्वेश्चन करिए दैट इज इनफ फॉर वोर्ड्स डेरिवेशन से मत डरिए डेरिवेशन नहीं आते बट अब मैं ये भी बताऊंगा कि डेरिवेशन कहाँ से करना है अगर वो आते हैं तो कहाँ से आएंगे तो व्हाट इज टोटल इंटरल रिफ्लेक्शन जब भी लाइट देखिए आपके डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा क्या करती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होती है अब जैसे जैसे आप उसके इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं वो इतना ज्यादा बेंड uh, हो जाती है कि एक सर्टेन एंगल पे वो उसका रिफ्रैक्टिंग जो एंगल है वो 90 डिग्री भी हो जाता है तो अगर हम देखें यहाँ पे एक सर्टेन एंगल पे जब वो गई तो उसका रिफ्रैक्ट एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया अगर मैं इस एंगल से ज़्यादा उसके इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दूँ जिसपे वो नाइन्टी डिग्री हो रहा था जिसपे उसका रिफ्रैक्ट एंगल नाइन्टी डिग्री हो रहा था तो वो वापस सेम मीडियम में आ जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट करते करते आ, आपका रिफ्लेक्शन करने लगी और इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब दो टर्म्स है इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है तो मैं उसमें क्लैरिटी दे देता हूं एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा था विथ रिफ्रैक्शन आप देखिए जो हमेशा होते रहता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन बट यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर मैं एंगल की बात करूं तो यहां पे रिफ्रैक्टेड जो लाइट है रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ जाती है जीरो आ जाती है इसलिए हम इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है ये ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो गया है उस सर्टेन एंगल पे तो सर इसकी कंडीशन कैसे निकालते हैं बहुत ही सिंपल है जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पे ध्यान देना है आपने स्नेल्स लगाया और उस एंगल के लिए पहले सॉल्व किया जिस एंगल पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा था 90 हो जा रहा था उसको हम कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल तो क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप 90 रख देते हैं आपका बाहर का मीडियम ऑब्वियसली बात है रेरर होगा जिससे लाइट स्टार्ट हो रही है वो डेंसर होगा ये रहा आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स म्यू आर ये फॉर्मूले पे मैं फिर से डबल स्टार लगा देता हूं बिकॉज यहां से आपसे चीजें पूछी ही जाएंगी इंपॉर्टेंट बात कंडीशन ऑफ टीआईआर क्या होगा कंडीशन ऑफ टीआईआर अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कि अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज टी आई आर नॉलेट्स स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस तो यहाँ पर जो बाउंड्री होती है दोनों मीडियम के बीच में ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इज अ स्फेरिकल बाउंड्री सो बेसिकली यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक डेरिवेशन प्रिपेयर करना है और एक रिलेशन हंड्रेड परसेंट याद रखना है बिकॉज इससे भी न्यूमेरिकल आने की प्रॉबेबिलिटी बहुत ही हाई होने वाली है इस चैप्टर में तो द रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर इस्फेरिकल कर्व तो द रिलेशन कम्स आउट टू बी फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इमेज बन रहा है अपॉन दी इमेज डिस्टेंस इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन दब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर यहाँ पे जो आर है दैट इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेरिकल सर्फेस जो आप देख रहे हैं सो so, यहाँ पे आप याद रखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेरिवेशन बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड बुक अगर मैं आपको बताऊं सो दिस डेरिवेशन इज कंपल्सरी टू बी डन अच्छा अब यहां पे आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी चाहिए कि भाई दिस इज ट्रू फॉर रिलेशन इज ट्रू रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल केसेस फॉर ऑल केसेस तो ये सारे केसेस के लिए ये रिलेशन ट्रू होता है मतलब जैसे अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इंसियेंट्री के लिए कॉन्वेक्स बाउंड्री है तो ये कॉन्केव के लिए भी ट्रू होता है ये किसी भी टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू होता है आपको एज इट इज सेम फॉर्म लगाना है बस साइन कन्वेंशन ठीक से लगना है बस एक चीज़ याद रखिएगा इसमें अगर आपका कॉन्वेक्स हिटिंग है मतलब अगर सर्फेस कॉन्वेक्स तरफ से हिट हो रहा है जैसे कि ये सर्फेस कॉन्वेक्स है तो आपको जो रेडियस लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है और अगर आपका कॉनकेव टाइप का सरफेस है तो आपको जो रेडियस लेनी है वो नेगेटिव लेनी है सिर्फ अगर आप इतना अच्छे से याद रख लेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा तो प्लीज मेक वन न्यूमेरिकल एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स ओवर दिस एंड आल्सो प्रैक्टिस दी डेरिवेशन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करके हम निकालते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वी आर गिवन अ मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम कैसी सिनेरियो को मेंटेन करें जिससे हमारा एक लेंस बन जाए याद रखिएगा यहाँ पे दोनों लेंसेज की रेडियाई मतलब दोनों लेंसेज के दोनों तरफ या ये सर्टेन लेंस के दोनों तरफ जो रेडियाई है वो अलग अलग है इसकी रेडियाई याद रखेगा हमेशा राइट साइड होगी क्योंकि इसका राइट कर्वेचर है और इसकी रेडियाई हमेशा लेफ्ट होगी याद क्योंकि क्योंकि इसका लेफ्ट साइड कर्वेचर है तो अगेन द रिलेशन इज बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दी फोकल लेंथ ऑलरेडी इज कॉल्ड इस पर्टिकुलर पार्ट part को हम ऑलरेडी क्या कहते हैं इसको हम ऑलरेडी नाम दे चुके होते हैं लेंस फॉर्मूला ठीक है तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला एंड द राइट पार्ट विच एक्चुअली शोज दैट द फोकल लेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर लेंस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड ऑल्सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम तो याद रखिएगा यहाँ पे म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इस चीज को याद रखिएगा अगर मैं आर का कन्वेंशन बताऊँ तो इट इज वेरी सिंपल कॉनवेक्स के लिए इट इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव के लिए इट इज़ नेगेटिव इट इज़ वेरी वेरी सिंपल लेंस फॉर्मूला अगेन इज अ सेम कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस की फोकल लेंस रिलेशन को लिखते हैं मैंने आपको यहाँ पे उसको ऑलरेडी नोटिफाई uh, कर दिया है लेकिन यहाँ पे भी आपको याद रखना है फोकल लेंथ का कन्वेंशन दैट इज कॉन्केव के लिए ये होता है और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है आप बता दीजिए हिंदी कॉमेंट सेक्शन तो कॉन्केव के लिए आता है बच्चे नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स के लिए आता है ये पॉजिटिव इसी लेंस में अगर हम हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो याद रखिए जैसे मिरर में यहां पे प्लस आता था आप याद करिए तो यहां पे माइनस आता था यहां रिमेंबर ऑल इन डायरेक्शन ऑफ वॉट इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट्री क्या लेंगे हम इन डायरेक्शन ऑफ रे हम लेंगे इंसिडेंट्रे पॉजिटिव ठीक है तो इसको भी याद रखिएगा चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फाइनल लेग ऑफ द लेक्चर दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर हम दो lenses जिनका फोकल लेंथ एफ वन एंड एफ टू गिवन है तो उनको हम किस तरीके से अगर एक साथ रखते हैं तो एक सिंगल लेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं या उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा अगेन डबल स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज इससे आपको अगेन एक न्यूमेरिकल दिखने का छोटा सा बहुत हाई पॉसिबिलिटी है तो यहां पे आप देखिए जब हम फोकल लेंथ को इनका निकालते हैं नेट तो आप क्या करते हैं बिल्कुल जैसे आप करते हैं है, है, पावर की बात करूं तो यहां से दो सिखाऊंगा पावर ऑफ लेंस होता है वन अपन फोकल लेंस इन मीटर. तो पहला फॉर्मुला मैंने आपको सिखाया कि पावर इज इक्वल टू होता है पावर की यूनिट क्या होती है वो होती है डायोप्टर देखिए इस तरीके से ही नोट्स बनाए जाते हैं सो दैट आप एक ही पेज में छोटे 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 तरीके से काफी चीजों को मेंशन कर लें तो अगर मैं दोनों की नेट पावर निकालना चाहूंगा तो वन अपन एफ वन को पी वन लिख दूंगा और वन अपन एफ टू को मैं P2 लिख दूंगा, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आया इसको अच्छे से कर लीजिएगा अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के में कि, कि किस तरीके से इस फॉर्मुले का यूज करके हम बहुत जल्दी वहां पे मैग्निफिकेशन निकाल पाएंगे दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बॉर्थ दी मैग्निफिकेशन हर फॉर्मूले पे मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं सो so देट आपको फॉर्मुला तो याद रही रहे रिवीजन भी आपका हो जाए लेकिन आपको ये पता रहे कि किस तरीके से उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म में हमें यह समझना होता है कि जब लाइट एक सर्टेन लाइट आपकी किसी प्रिज्म में एंटर करती है तो कितना वो डेविएशन शो करती है तो अगर मैं यहां पे डेविएशन आपको दिखाऊं सो बेसिकली दिस विल बी योर जेनरिक डेविएशन अगर मैं एक कलर की बात करूं अब सर यहाँ पे दो लाइट कैसे हो गई है क्योंकि ये व्हाइट कलर की लाइट है तो आपको पता है कि हर कलर की लाइट का जो डेविएशन होता है वो अलग अलग होता है तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ अगर मैं सिर्फ ये पहले वाले आ, लाइट की बात करूँ तो उसका डेविएशन ये है इसको मैं डेल कह देता हूँ दूसरी लाइट का भी एक सर्टेन डेविएशन होगा दोनों का डेविएशन अलग अलग है इसलिए हमें वो कलर्स अलग अलग दिख रहे हैं उसी को हम अभी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे कि आपकी मार्किंग्स यहाँ पे होनी चाहिए जैसे ये हो गया आपका एंगल एक मिनट दीजिए मुझे सो so बेसिकली अगर मैं आपको नोटिफाई करूं तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इमरजेंस अगर हम यहां पे आ जाएं सो दिस इज गंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वन एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू सर ऐसा क्यों कहा क्योंकि अगर मैं किसी भी तरफ से एंटर करूं तो मैं आर वन आर टू यहाँ पे लिख सकता हूं एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म सो फॉर एनी लाइट दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलेशन फॉर अ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म तो अगर मैं बात करूं डेविएशन की तो ये जो डेविएशन होता है बच्चों याद रखिएगा दिस डेविएशन इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंट एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म बाय दिस फॉर्मूला टेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए एंड यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है याद रखिए यहाँ मैंने जो आपको आर वन एंड आर टू बताया है ये उनके सम के इक्वल होता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एक मार्क में अब जो और सर्टेन कंडीशन यहाँ पे डिराइव करते हैं वो होती है मिनिमम डेविएशन की कि लाइट को अगर हमें मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में पढ़ना है तो क्या सिनारियज वो फॉलो करती है तो फॉर मिनिमम डेविएशन देर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर सबसे पहली कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब भी लाइट मिनिमम डेविएट करती है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाता है मतलब ये ट्रांस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है किसी भी तरफ से आप लाइट को एंटर करेंगे वो सेम पाथ को फॉलो करेगी एंड दूसरा जो आपके एंगल्स हो जाते हैं r1 r2 हो सेम हो जाते हैं और तीसरा जो लाइट है वो पैरेलल टू बेस हो जाती है पैरेलल टू बेस हो जाती है ये तीन बातें अगर आपको कभी भी दिख जाए तो याद रखिएगा ये कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है तो जब हम इसको यूज करेंगे इस पूरी कंडीशन को यूज करेंगे और स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का एक फार्मूला मिल जाएगा जो किया जाता है sin a प्लस डेम बाय टू अपॉन साइन ए बाई टू एक बात इसमें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यहां पे इस फॉर्मुले में मैंने ऐसा इसको इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि दिस फॉर्मुला इज फॉर व्हेन जब बाहर एयर हो लेकिन अगर बाहर एयर ना हो तो यहां पे आप म्यू रेयर का भी डिवाइड दे, दे देंगे इसको भूलिएगा मत अच्छा अगर इसी फॉर्मले को हम स्मॉल एंगल्स के लिए जनरलाइज करना चाहते हैं जहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म एक थिन प्रिज्म हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है इसका एंगल बहुत छोटा है तो हम इसी फॉर्मुले को देखेंगे जो हमारा फॉर्मुला है मिनिमम डेविएशन का वो यहीं से निकल कर जाएगा फॉर स्मॉल एंगल ए इंटू म्यू माइनस वन अब देखिए यहीं से इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होती हैं क्यों क्योंकि यहां पे आपका मिनिमम डेविएशन एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट हो गया है और आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है बाय कॉशीज फॉर्मुला बाय कौशीज फॉर्मूला एंड कॉशी के हिसाब से अगर आप अपने वेवलेंथ को बढ़ाएंगे अगर तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होते जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से आपका डेविएशन कम होते जाएगा इसलिए आप देखते हैं हर कलर की लाइट अलग अलग कलर एंगल पे डेविएट करती है और आपका डिस्पर्शन का फिनोमेना दिखता है तो यही रीज़न होता है आपके डिस्पर्शन के फिनोमेना के डिस्पर्शन uh, के लिए ठीक है चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड नाउ लेट अस लुक एट वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ योर एनसीईआरटी व्हिच इज मिनिमम डेविएशन का कर्व तो ऑलवेज रिमेंबर मिनिमम डेविएशन एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही होता है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम होता है या आपका डेविएशन है या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक सर्टेन कर्व बनता है ये पैराबोला नहीं है इसको अच्छे से याद रखिएगा नाउ मूविंग टू दी लास्ट पार्ट ऑफ दी चैप्टर दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप तो व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को बड़ा करके आपको दिखाता है और सबसे सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक कॉन् कॉन्वेक्स लेंस होता है जो अपने उस सिनेरियो में जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के पास रख देते हैं फोकल लेंथ और पोल के बीच में रख देते हैं तो मैग्नीफाई करके वर्चुअल इमेज दिखाता है तो अगर हम बात करें हमें जो निकालने को आता है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन आता है इसका डेरिवेशन उन बच्चों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऑलरेडी थर्टी फाइव फोर्टी मार्क्स में प्लीज डू नॉट डू दिस बट ऑब्वियसली बात है जो भी बच्चा सिक्सटी फाइव प्लस का स्कोर करना चाहता है आउट ऑफ सेवेंटी उसे डेरिवेशन एक बार देख लेना चाहिए विच इज एंगुलर मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन दी आई बट जब ये डी पे हो तो इमेज कहाँ बननी चाहिए डी पे और ऑब्जेक्ट भी कहां रखा होना चाहिए डी पे तो ऑब्जेक्ट को आप अलग से देखेंगे इमेज को आप अलग से देखेंगे थ्रू लेंस। यहां पे हमारे दो स्पेशल केस निकल के आते हैं पहला जो आ जाता है वो आ जाता है जब इमेज फाइनली डी पे बनती है और इमेज फाइनली इंफिनिटी बनती है इसको हम कहते हैं रिलैक्स स्टेट या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसमें आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स होती हैं जब भी आप कोई दूर की चीज देखते हैं तो आपको सबसे कम स्ट्रेस लेना होता है आंखों पे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं एंगुलर मैग्निफिकेशन की तो यहां पे आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला बन जाता है वन अपॉन डी वन प्लस डी अपॉन एफ ई और एफ और ये हो जाता है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन वन डी अपॉन एफ यहां पे डीज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस सिर्फ इतनी बातें आपको याद रखनी है डायरेक्ट आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा मैं ये भी बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर पार्ट part से न्यूमेरिकल नहीं आएगा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में एक्जैक्टली exactly जहां से न्यूमेरिकल बनेगा वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं अब बात करते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है वो ज्यादा इन इमेज और ज्यादा छोटी चीजों को मैग्नीफाई कर सकता है तो यहाँ पे दो डिफरेंट लेंसेस होते हैं पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है और दूसरा आपका होता है आई पीस जो आई के पास होता है अब यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी एफ और एफ होगी डायग्राम से आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है और जो आई होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है अगेन देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट यह है इसकी इमेज बनी आपने देखा इमेज इन्वर्टेड बनी मतलब रियल इमेज बनी यहां पर और फिर इसी इमेज का फर्दर जो रेज है वो आगे गई और सेकेंड लेंस में टकराई ऐसे सिनेरियो पर टकराई याद रखिए जब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो आईपीस के फोकल लेंथ से पास होना चाहिए तभी वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा तो आप देखिए सेम साइड पे इसकी इमेज बन रही है यहां पे और वो एक वर्चुअल और इन लार्ज इमेज है दैट इज ओनली पॉसिबल जब आपका जो ये डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज है वो ऐसा मेंटेन हो कि आपका जो फर्स्ट इमेज है वो आपके आईपीस के फोकल लेंथ के पास बने बहुत सिंपल है अगर मैं बात करूं अगेन इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन की तो पहला केस है व्हेन इमेज एट डी वेन इमेज एट डी और यहां पे हो जाता है वेन इमेज एट इंफिनिटी तो अब मैं इस फॉर्मूले को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं आप देखिए किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट वी अपॉन यू तो ये आ गया और ये वाला जो है वो सेकंड लेंस का मैग्निफिकेशन है मैंने आपको अभी बताया था दो लेंस होंगे तो उनका मैग्निफिकेशन क्या आएगा एम वन तो आप देखिए कितना आसान है इसको याद रखना सिंपल का याद रखिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए यहां भी कितना आसान है याद याद रखना आप सिंपल सिंपल पहले वाले ऑब्जेक्टिव का तरीके से रखिए और ये डी अपॉन एफ यहां बताया था आपको वही फॉर्मला आ गया है ना अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं अगर आपको जनरली एंगुलर मैग्निफिकेशन का यहां फॉर्मला लिखना पड़ता तो वो भी थीटा आई अपॉन थीटा ओ ही आता और अगेन दोनों वो डी पे ही होते तो जनरली जैसे ये डिफाइंड है वो डी पे होते हैं लेकिन आपकी इमेज इंफिनिटी पे ही बन सकती है और आपकी इमेज याद रखिएगा डी पे ही बन सकती है लेकिन दिखती वो हमेशा डी पे ही है, पहली क्लियर इमेज डी क्या है सर ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर माना जाता है फॉर योर नॉर्मल आई अच्छा अब हम बात करते हैं सर एक इंटरेस्टिंग चीज की रिजोल्विंग पावर की चलिए थोड़ी देर से बात करते हैं अब हम पहले बात कर लेते हैं आपके रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की दिस इ दी लास्ट टॉपिक याद रखिएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अगर आपको आ जाता है तो आपको सारे फॉर्मले एक तरीके से आपने रिवाइज कर लिया आप ये मान के चलिए एंड यू आर वेल एंड गुड फॉर ऑप्टिक्स मेरे को कॉमेंट में करके बताइए कि हाउ एक्साइटेड यू आर यू फॉर दिस सीरीज़ आई विल भी ट्राइंग टू पुट ऑल दी फिफ्टीन वीडियोज इन नेक्स्ट टू डेज मेकिंग ऑल दी कॉन्टेंट ये कॉन्टेंट बनाने में इट टेक सम टाइम आई माई सेल्फ आई एम मेकिंग दिस कॉन्टेंट बट आई एम मेकिंग श्योर कि मैं एक ऐसी वीडियो आपको दूँ जो आपको बहुत जल्दी रिविजन में हेल्प करें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या वो ऑब्जेक्ट होता है जो दूर की चीज को पहले तो पास का लाके दिखाता है और छोटा एक तरीके डी मैग्नीफाई करके दिखाता है आंखें एक नेचुरल टेलीस्कोप होती है क्योंकि वो इतने बड़े सन को भी छोटा सा देख लेती है तो एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में अगेन दो पार्ट्स होते हैं एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है और एक आपका आई पीस होता है आप देख सकते हैं और अगेन आप इसके साइज uh, से समझ सकते हैं कि जो आईपीस की फोकल लेंथ है वो छोटी होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव से इस पर भी एक छोटा मोटा आपका केस स्टडी आने को आ जाता है तो एक क्वेश्चन आएगा तो इस बात को याद रखिए वो वहां पे दिख भी रहा होगा आपको अगेन हम बात करते हैं इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन की तो एंगुलर मैग्निफिकेशन यहां पे जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है तो इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूं यहां पे आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है याद रखिएगा मैं यहां लिख देता हूं वो theta, आई थीटा आई अपॉन थीटा ओ तो होता है आप इमेज को तो डी पे ले आएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट का वो एक्चुअल एंगल होता है क्यों सर क्योंकि आप सोच के देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट सन या मून है तो आप उसको डी पे नहीं रख सकते तो इसको मत भूलिएगा इसका भी डेरिवेशन वही बच्चे प्रिपेयर करेंगे जो 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं अगर मैं बात करूं यहां पे आपके एंगुलर मैग्निफिकेशन के स्पेशल दो केस की तो केस वन जो है वहां पर इमेज जो है वो डी पे बनती है इमेज एट डी एंड केस टू जो है वहां पे इमेज जो है वो इंफिनिटी बनती है तो इमेज एट इंफिनिटी इस तरीके से आप इन दोनों केसेस को याद रखिए अब मैं आपसे बोल रहा था ना कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो दिस इज दी ओनली प्लेस जहां से आपका न्यूमेरिकल आएगा स्टार स्टार मार्क कर लीजिए पूरे के पूरे माइक्रोस्कोप टोलीस्कोप में से यहाँ से हमेशा न्यूमेरिकल आता है सिंपल होता है ऑब्जेक्टिव भी होगा लेंथ अपॉन आईपीस uh, की फोकल लेंथ जो होती है state, ना तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कौन स्टेट है? है. अब एक कॉन्सेप्ट का क्योंकि वहां पे थोड़ा सा आपका एक तरीके से डिफ्रैक्शन यूज होता है इसलिए वहां पे उसे वहां पढ़ाया जाता है बट हमने उसे यहीं कवर कर लिया है सो व्हाट इज द रिजोल्विंग पावर ऑफ वो दीज इंस्ट्रूमेंट सो so, अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर की तो ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन था द रिजोल्विंग पावर इज इक्वल टू वन ऑफ दी दन अपॉन डी द डी इज द डिस्टेंस ऑफ क्लैरिटी या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो क्लियर इमेजेस के बीच में डिस्टेंस होता है वो आउट टू बी इक्वल टू टू म्यू साइन लेमडा आपको पता है माइक्रोस्कोप में वी यूज मीडियम फॉर दी ऑब्जेक्ट्स दैट उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर भी डिपेंड करता है एंड लेमडा ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप हाँ, माइक्रोस्कोप से चीजें देखते हैं तो अलग अलग कलर की लाइट्स का यूज कर रहे होते हैं चाहे वो पिंक हो चाहे वो कोई डार्क कलर हो जिससे वहां पर रिजोल्विंग पावर में डिफरेंस आपको दिखता है इसी तरीके से अगर हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो टेलीस्कोप का जो रिजोलिंग पावर होता है दैट इज इक्वल टू डी अपऑन वन पॉइंट टू टू लैमडा अगेन डी थीटा इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन टू क्लियर इमेजेस एंड लैमडा इज द वेवलेंथ आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल भी ट्राइंग क्यू मैं हर दो तीन घंटे में एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज ऑल दी कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो जो भी इसको बाद में देख रहा है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज यू कैन फाइंड फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस कोई भी अगर इसमें कमी आपको दिखते तो प्लीज लेट मी डू सो दैट आई कैन कवर दोज इन नेक्स्ट चैप्टर्स प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अर फैमिली इज कीप इज ग्रोइंग डे बाई डे एंड यू विल फाइंड ऑल दी नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल टिल देन टेक केयर बाय आई विल मी मीटिंग यू सून इन दी नेक्स्ट चैप्टर